तो गाइस स्वागत है आपको आज के इस वीडियो में। तो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावा का एक नया सर्वाइवल सीरीज। मैंने इससे पहले कभी फेस कैम नहीं किया। चलो अभी जो है मैं एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ। मैंने क्रिएट तो कर तो यहाँ पे मैं भूल गया था। यहाँ पे जो है मैं एक नाम क्या नाम दूँ, वैसे मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। देखो हार्डकोर वार्डकोर का हम लोग खेलेंगे, सीन ऐसा नहीं है कि हार्डकोर नहीं खेल सकता। हार्डकोर मैं खेलूंगा बट अभी देखो अभी मैं उतना प्रो हुआ नहीं हूँ, तो इसलिए जो है अभी हम लोग जो है इसको कैसे भी नाम रख देते हैं चलो उल्टा तीर। चलो नाम मैंने रख दिया उल्टा तीर और इसको जो है मैंने जो है सब कुछ सेव कर दिया, मतलब सब कुछ ठीक कर दिया है। वैसे मेरे पास ना दो शेडर भी है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री शेडर और एक है BSL शेडर। चलो सबसे पहले ना क्रिएट करते। भाई इतना टाइम क्यों लेते हो यार। ओके तो 100% हो गया, अभी प्लीज एक अच्छी सी जगह पे स्पॉन देना। ओके तो मेरे को थोड़ा बहुत आ गया है और अभी देखो एक आइलैंड पे मैं सर्वाइवल आइलैंड खेल रहा हूँ यहाँ पे। भाई ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले सब लोग जो करते हैं हम लोग भी वही करते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत पेड़ को काट लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से। और मैं क्या कर रहा हूँ वैसे अभी देखो, अरे मेरा गेम थोड़ा सा लैगी हो नहीं। देखो सब कुछ तो मैंने सेट तो कर दिया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एनवीडिया का सब कुछ मैंने सेट तो कर दिया है। हो सकता है मैंने जो है इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत मैंने खेला है और गलती से मैंने जो है माइनक्राफ्ट को डिलीट कर दिया था। और पिछले वीडियो में मतलब मेरे को कुछ ना मतलब समझ में नहीं आया था। वॉन्डर शेडर को मैंने यूज तो करा, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, और मैंने ऐसे ही मतलब यूज कर दिया और फिर भाई मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। और जब मैंने एक्सपोर्ट करा उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई ये क्या है। अच्छा लावा है। ओके तो लावा है भाई, इसको ट्राई करना चाहिए। ओके तो मेरे को यहाँ पे कुत्ते वगैरह भाई साहब हेलो। ओके तो चलो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। वैसे मेरा गेम लैग क्यों हो रहा है भाई, एक बार देखने दो मेरे को। ये देखो यहाँ पे अगर मैं गेम शेडर पे अगर दिखाऊंगा तो ये देखो मेरे पास ये BSL शेडर है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री शेडर। तो सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं और ऐसे करके। ओके भाई मैं समझ गया हूँ। ओके तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्राफ्टिंग टेबल को अपना और यहाँ पे जो है हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे रख देते हैं और एक दो। ओके चलो इतना काफी होगा और इसको जो है हम लोग वापस से रख देंगे यहाँ पे। और मैं सबसे पहले तो एक कुल्हाड़ी बनाऊंगा। ओके स्टोन एज भाई यहाँ पे जो है एडवांसमेंट भी मिलेगा जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ओके चलो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से ले लिया और अभी जो है मेरे को यहाँ से भगना। ओके भाई साहब शुगर केन मिल गया भाई। ओके मैंने थोड़ा बहुत शुगर केन को यहाँ से ले लिया, इसको भी लेते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो एंड नाउ हम लोग जो है अभी थोड़ा बहुत खाना पानी जो है हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि खाना पानी के बिना हम लोग जो है जी नहीं सकते। मर जा भाई मर गया। देखो 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 ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलो चलो अभी कुछ और को मार देते हैं यहाँ से। भाई साहब एक शॉट में मर रहा है भाई। ओह माय गॉड। चलो बहुत सारे खाना मिल गया और थोड़ा बहुत काऊ को भी मार देते हैं। अभी इतना काफी है और मैं काम करता हूँ यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को वूल मिल चुका है, फिर एक बेड हम लोग बना लेते हैं। चलो भाई हमारे पास बेड आ चुका है, तोड़ के जा सकते हैं। और अभी मेरे को एक विलेज चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है भाई विलेज दे दो, एक विलेज दे दो। सबसे पहले भाई विलेज भाड़ में गया भाई। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं एक फर्निस बना लेता हूँ। अभी जो है थोड़ा बहुत खाना यहाँ से पक रहा है, तब तक के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा स्टोन को कलेक्ट कर लेते हैं। नहीं 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 खाना पानी सबसे पहले जो है यहाँ पे इसको रखो एंड अभी जो है हम लोग खाना पीना कर सकते हैं। ओह माय गॉड यहाँ पे तो पम्पकिन भी है। नहीं 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 पम्पकिन नहीं है भाई, क्या चूना लगाते हो यार। ओह माय गॉड भाई साहब ये आइस स्पाइक है। मैंने जिंदगी में पहली बार जब मैंने वर्ल्ड को क्रिएट करा वो भी आइस स्पाइक्स के अंदर, मतलब आइस स्पाइक थोड़ा दूर है और उसके बाद मेरे को यहाँ पे मतलब मिल गया भाई। ओके भाई पहली बार हो रहा है भाई ऐसा 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 मत दो भाई साहब। चलो इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ। रूइन पोर्टल भाई साहब मेरे को आयरन नहीं मिला और यहाँ पे मैं गोल्ड के ब्लॉक्स को भी ले नहीं पाऊंगा। ओके तो चलो सीड को दिखाता हूँ। ये देखो ये है सीड, आप अगर खेलना चाहो तो आप आ सकते हो यहाँ पे खेल सकती हो। भाई विलेज तो दिखा दे भाई, एक भी विलेज नहीं मिल रहा भाई। यहाँ पे मेरे को पम्पकिन मिल चुका है गाइस यहाँ पे, तो चलो पम्पकिन को ले लेते हैं। मेरे को पम्पकिन के खेती बाड़ी करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है इधर आए यार, देखो भाई यहाँ पे तो ओशन ही ओशन है यार। मेरे को वैसे जगह बहुत अच्छा है लेकिन मेरे को एक भी विलेज देखने को नहीं मिला भाई। वहाँ पे विलेज है क्या? नहीं वो तो डेजर्ट है, विलेज किधर है? चलो खाना कोई खा लेते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूर इंसान है हम लोग। चलो बेटा पम्पकिन को ले लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखो कितने सारे जो है हॉर्सेस है भाई साहब। भाई साहब देखो ओ माय गॉड भाई कितना ऑसम लग रहा है भाई, गेम का लुक ही चेंज कर दिया भाई। इसको देखो भाई पानी को देखो, वैसा अच्छा तो लग रहा है भाई, सीरियसली बोलू ना भाई अच्छा तो लग रहा है। बहुत सारे लोग ना इसी के ऊपर खेलते हैं।
भाई साहब ये देखो, इसको मारने के चक्कर में भाई मेरा यही चला गया। तू मरेगा बेटा, तू मरेगा बेटा। ओके तो मैं रास्ता भटक ना जाऊं। ओके तो वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को एक विलेज चाहिए, विलेज नहीं मिल रहा। चलो आज का वीडियो तो इसी पे ही करते हैं, क्योंकि मेरे को शेडर अच्छा लग रहा है अभी। वैसे दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा बहुत लोड पड़ेगा जितना मुझे लग रहा है, लेकिन अच्छा लगे। चलो इतना लोड तो झेल लेगा मेरा डिवाइस। भाई यहाँ पे तो पानी ही पानी है भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई। एक बात तो कहना पड़ेगा यार भाई, साउंड बहुत अच्छा है जावा एडिशन में, ठीक है। मतलब पानी के अंदर बोलो, पानी के अंदर जैसे ही जाओगे ना, तो मतलब साउंड क्वालिटी ना बहुत अच्छा हो जाता है। चलो चलो चलो, साउंड सुनते सुनते हम लोग जो है पक जाएंगे, लेकिन हमें एक विलेज नहीं मिलेगा। अभी जो है मॉब्स लोग भी तो आएंगे ना भाई साहब। सनराइज को देखो, माय गॉड भाई कितना ऑसम लग रहा है भाई। भाई ये क्या बर्फीला जगह है क्या भाई, ये हट यार कितना गंदा है। वैसे इग्लू मिल गया मेरे को। ओके गाइस यहाँ पर जो है एक इग्लू मेरे को मिल चुका है। चलो इग्लू के अंदर हम लोग चल के देखते हैं। वैसे यहाँ पे मेरे को एक बेड मिल चुका है, इसको चोरी कर लेते हैं। चलो अंदर चलते हैं और देखो भाई कितना ऑसम सा लग रहा है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा खाना पानी कर लेते हैं भाई। ओके चलो, ये कितना कुछ दे रहे हो भाई साहब। ओके चलो यहाँ पे जो है इसको तोड़ देते हैं और इसको भी तोड़ देते हैं। चलो अभी तुम क्या दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, मारूंगा ना ऐसा। ओहो कैसा लगा तुमको? चलो एक नसीब का काम कर रहे हो आप लोग, एक नसीब का काम करो, नीचे जाके लाइक बटन को दबा दो ऐसे करके, और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसा करके। वैसे चलने के लिए बोला मैंने, गिरने के लिए नहीं बोला। तो हमें ऐसे करके जाना होगा। चलो इसको दे देते हैं एंड नाउ हम लोग। ओके भाई साहब कितना ऑसम लग रहा है भाई। अब मैं ढूंढ रहा था बस एक विलेज, पर मेरा नसीब देखो एक भी विलेज मेरे को अभी तक नहीं मिला, जबकि मैं ढूंढे ही जा रहा हूँ। तो नाव पर सवार करते करते मैं जा ही रहा था कि तभी मुझे दूर पे दिखता है मशरूम भाई। भाई ये वर्ड वैसे तो देखा जाए तो ठीक ही है, मतलब एक से बढ़ के एक रेयर चीजों को दे रहा है, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज है वही मेरे को नहीं दे रहा भाई साहब। बस कि एक विलेज ही तो मांग रहा हूँ कब से, पर नहीं हमें तो बस रेयर चीजें देना है। खैर तो नाव पर सवार होकर मैं मशरूम आइलैंड के पास से जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि सनसेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कैप्चर किया जाए, एंड देन भटकती आत्माओं की तरह बस मैं भटकता रहा और करता रहा विलेज की तलाश। पर मेरे को जो चाहिए वो शायद इस वर्ल्ड पे पाना संभव ही नहीं था, इसलिए मैंने इसको छोड़ एक और वर्ल्ड को क्रिएट कर। लेकिन इस बार मेरी किस्मत ने फटाक से मेरी बात सुन ली भाई। स्पॉन होते ही अपना मुंडी जब मैंने घुमाया तो देखा भैया सामने एक विलेज मेरा इंतजार ऑलरेडी कर रहा था। और क्या था भैया, वहाँ पे गया सबसे हाई हेलो किया थोड़ी सी चोरी चकारी, और अंत में गोलेम चाचा को मारना पड़ा हम ही पे भारी। लेकिन हमने हार ना मानी, छुपन छुपाई खेलते खेलते अंत में कब मैंने गोलेम को मार दिया और कह दिया भैया हमको ना समझो अनाड़ी। तो बातों ही बातों में दिन कहाँ गुजर गया भाई मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि आज की रात जो है इसी विलेज में गुजारना सही रहेगा। और सुबह थोड़े से प्राणियों को मारने लगा कि तभी वहाँ पे कोई चचा आदमी खड़ा था, बोले कि हमरे भेड़ को मार कह रहे तो बहसबाजी ना हमको जमा नहीं, इसलिए उसको चुप्पी साधना पे भेज दिया हमें चाक कर लिए। अभी रास्ते में मुझे मिलता है एक रूइन पोर्टल, पर वहाँ पे कोई चेस्ट मेरे को दिखाई नहीं। वैसे देखा जाए तो विलेज तो मिला मेरे को, पर जगह भी ठीक ठाक ही है, मतलब मेरे टाइप का नहीं है। मतलब मुझे चाहिए एक फ्लैट एरिया जहाँ पे एक विलेज भी होगा, थोड़ा बहुत फ्लैट एरिया होगा तो बहुत ज्यादा आसपास होगा, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा लगता है मतलब बिल्ड वगैरह करने में। तो इसलिए मैं वही पे जो है उसी को ढूंढता रहा, और रात रात भाई मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो रेतीला जगह है ना, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद है। तो बात ही मत, एक जंगल तो मैं गया जंगल में और जंगल के चीजों को उठाने लगा। और घूमते घूमते वापस आया मैं उसी विलेज पे जो पहले मैंने जो मतलब टपली मारा था ना आयरन गोलेम को, उसी विलेज पे मैं वापस आ गया भटकते भटकते। और इस बार मैंने देखा कि भैया उसी विलेज के आसपास मतलब थोड़ी दूर पे एक और विलेज था, लेकिन वो था सवाना विलेज जो मेरे को चाहिए ही नहीं था। और तजुब की बात तो यह थी कि भैया वहां पे जाके देखा कि वहां पे गोलेम ही नहीं था। अब बताओ यार, जहां पे गोलेम नहीं रह सका वहां पे हम कैसे रह पाएंगे। और फिर से मैं भटकता रहा, और फिर आधे पौने एक घंटे के बाद मुझे मिलता एक और विलेज, और वैसे ये विलेज जैसा मेरे को चाहिए था वैसा ही विलेज ये था। लेकिन इस बार मेरे को मन चाहे विलेज मेरे को मिल चुका था, जहाँ पे मेरे को जिस विलेज को मेरे को जरूरत थी, जो मेरा फ्लैट एरिया के जगह पे मेरे को विलेज चाहिए था वही विलेज मेरे को मिला। लेकिन कब वक्त इस बार उस विलेज में एक भी विलेजर नहीं था। ये हो क्या रहा था भाई मेरे साथ यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार। इसलिए अब आप ही सोचो, जिस विलेज में कोई विलेजर टिक ना सका वहां पे हम कैसे टिक पाएंगे। इसलिए वापस अपना भ्रमण जारी रखा।
कई घंटे के बाद मेरे को मिलता है एक और विलेज। अब इस विलेज को देखो भाई, सिर्फ दो ही घर है, ना ही कोई तीसरा घर है और ना ही यहाँ पे कोई विलेजर है। भाई सच में यार, आज का दिन ही खराब है यार, मेरा नसीब तो खराब था ही, दिन खराब है, दिन पनौती है। अब विलेज पे गया जैसे ही मैं, तभी मैं गड्ढे में गिर गया भाई। अब बताओ यार, और हुआ ये वापस से वही जगह पे आ टपका जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो यार ये दो सीट पे मैंने कई घंटे यहाँ पे बिताया यार, तलाश की एक विलेज की जो मेरे को नहीं मिला यार। और ये सब जो मैंने देखा यार, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मतलब इतना, मतलब ठीक है, ठीक ठाक है ये सीट, मतलब मेरे को रेयर से रेयर चीजें मिल रहा था, लेकिन मेरे को जो चाहिए था वही नहीं मिला यार। दो से चार घंटे मैंने दो सीट पे बिताया यार, मेरे को एक विलेज नहीं मिला, ठीक ठाक से विलेज नहीं मिला। विलेज तो मिला, लेकिन आप ही सोचो, मतलब आपने तो देखा ही कैसे कैसे विलेज मेरे को मिल रहा था। सबसे अगर कहूँ ना कि मेरे को सबसे वर्स्ट सीट मेरे को मिला है, तो कोई बुरी बात नहीं होगी बात। खैर तो चलो, इस विलेज के चक्कर में मेरा कई घंटे पूरा, मतलब पूरा दिन ही खराब हो गया यार। कोई अच्छा सा सीट पे मेरे को सर्वाइवल जर्नी में मेरे को स्टार्ट करना होगा, अगले वीडियो में करेंगे भाई। आज मैं बहुत थक गया हूँ वैसे, ये विलेज के चक्कर में मेरा मूड खराब हो गया भाई। और किसी दिन, मतलब किसी और एक अच्छे से सीट पे मैं जो है सर्वाइवल सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बोलना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे जो है नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।